टाटा बिरला रिलायंस के बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है टाटा बैंक या रिलायंस बैंक क्यों नहीं है? 1969 तक लार्ज बिजनेस हाउसेस बैंकिंग इंडस्ट्री को भी डोमिनेट करते थे। फॉर एग्जांपल बिरला ग्रुप का था यूको बैंक, जिसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1969 में नेशनलाइज कर दिया। तब आरबीआई एक रूल लेके आई कि कोई भी लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस जिसके 5,000 करोड़ से ज्यादा कैश है और ज्यादातर इनकम नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज से होती है, उन्हें बैंकिंग का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बट इसके पीछे लॉजिक क्या था? रीजन था कनेक्टेड लेंडिंग। बैंक्स के पास पब्लिक का बहुत सारा पैसा रहता है, जिसे वो आगे लोन पर देकर इंटरेस्ट कमाते हैं। मान लीजिए रिलायंस बैंक के पास मुकेश अंबानी आते हैं लोन के लिए, तो देयर इज अ चांस कि बैंक ज्यादा ड्यू डिलीजेंस किए बिना ही उन्हें लोन दे दे। भाई बैंक मैनेजर को अपनी जॉब थोड़ी कमानी है। और ये सिर्फ कंसर्न नहीं है, पिछले कुछ सालों का एग्जांपल देखें तो येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी, हर जगह कनेक्टेड लेंडिंग स्कैम हुए। 2020 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि भाई अब बड़े बिजनेसेस को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका विरोध किया आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन और विरल आचार्य ने। उन्होंने बोला ये बहुत ही बैड आइडिया है। खैर टाटा और रिलायंस को बैंकिंग लाइसेंस मिले न मिले, आपको मिल सकते हैं ऐसे शॉर्ट्स डेली बाय प्रेसिंग दिस सब्सक्राइब बटन।